Assalamu alaikum guys, hope so you guys are doing good. So welcome back to our web development series. So aaj ke is lecture mein hum start karne ja rahe hain apni javascript. So sabse pehle hame pata hona chahiye javascript hai kya aur javascript kya karti hai. So javascript hamare paas ek programming language hai jo hamare paas client side pe work karti hai. Client side hamare paas kya hota hai, ye hamare paas browser hai, koi bhi web page hai और कोई भी वेबसाइट है जिस पे मैं कुछ भी इंटरेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, फॉर्म सबमिट करूंगा या कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगा, इवन जो भी मैं यहाँ काम करूंगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लाइंट साइड एक्शन होगा. तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है और ढेरों हमारे पास पीसीज, मोबाइल्स और डिफरेंट डिवाइसेज हमारे पास जो है उसको एक्सेस कर रही होती हैं. So, मतलब हमारे पास सर्वर एक होता है और क्लाइंट्स ढेरों होते हैं. सो ढेरों क्लाइंट्स होते हैं, हर एक क्लाइंट के पीसी पे ब्राउजर होता है. तो इस ब्राउजर पे जो भी आप इंटरेक्शन करेंगे वो आपका इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, क्लाइंट साइड इंटरेक्शन. जितना भी क्लाइंट साइड वर्क हमने करना है हमने किससे करना है, अपना विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो आए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, index.html. स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जिस तरह हमने सी एस पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास तीन तरह की क्या होती है, सी एस एस होती है, एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल. सो इनलाइन हमारे पास क्या होती है उसको भी हम देखते हैं अभी. लेट से बटन और मैंने कहा क्लिक मी, ओके हो गया. आते हैं अपने यहाँ पे हम index.html वाली फाइल में, ओके मेरे पास बटन आ गया. अभी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है. सो नाउ आई विल कम हेयर और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक एक्शन लगाता हूँ ऑन क्लिक. ऑन क्लिक हमारे पास इवेंट है. तो मैं बता दूँ जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करेगी, हाउ विल इट वर्क. हमारे पास कोई ना कोई एक एक्शन होगा, एक्शन के अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा या फिर कोई ना कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी जो हम परफॉर्म करवाएंगे. अब ये ऑन क्लिक, क्लिक करना हमारे पास एक एक्शन है. अब मैं बताऊं कि हमारे पास जिस तरह मैंने कहा तीन तरह की हमारे पास क्या होती है, जावास्क्रिप्ट होती है. सो ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम यूज करेंगे किस तरह, मैं यहाँ लिखता हूँ अलर्ट यू क्लिक मी, ओके मैंने क्लिक किया, मेरे पास लिख आ रहा है दिस पेज इज यू क्लिक मी. सो हमारे पास सबसे पहले बता दूं कि तीन तरह से हम शो करवा सकते हैं कोई ना कोई ऑप्शन. इस तरह हम अलर्ट बॉक्स जो हमारे पास थ्रू पेज ओपन हो, एक हमारे पास हमने देखा अलर्ट है, एक हमारे पास है प्रॉम्प्ट. मैंने कहा आर यू रेडी, दूसरे क्लिक में पे आया मेरे पास आर यू रेडी, येस और नो. जो आप लिखेंगे वो वैल्यू आपकी यहाँ पे गेट हो जाएगी. फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है रिटर्न, रिटर्न सिंपल हम लिखते हैं कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस. सो तीसरे क्लिक पे हमारे पास कैंसल और ओके का बटन आ रहा है जो हमारे पास कन्फर्मेशन मैसेज पूछ रहा है. एक हमारे पास जिसमें आप टाइप कर सकते हैं और एक हमारे पास क्या है जिसमें आप कोई ना कोई अलर्ट करवा सकते हैं. तो ये तो हमारे पास होगी एग्जाम्पल किस चीज़ की, एग्जाम्पल होगी हमारे पास इनलाइन जेएस की. सो एक हेडिंग देते हैं यहाँ पे इनलाइन जेएस की एग्जाम्पल्स, इनलाइन जेएस एग्जाम्पल्स. अब बात करते हैं हम इंटरनल जेएस एग्जाम्पल्स, इंटरनल जेएस एग्जाम्पल्स. सो इंटरनल जी एस एग्जाम्पल्स हमारे पास कैसे आएंगे, मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा डिफरेंट बटन्स. इसी और चलो कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. इंटरनल हमारे पास और एक्सटर्नल काम दोनों सही एक ही तरह से करती हैं, बस फर्क क्या होता है कि इंटरनल आपके पास इन फाइल होता है और एक्सटर्नल क्या होता है आपके पास इन एक्सटर्नल फाइल जी एस पड़ा होता है. सो देखते हैं हम, मैंने यहाँ पे कहा भाई आप कॉल करो लेट्स से पॉप अप, एक फंक्शन है पॉप अप और आगे दो ब्रैकेट्स.
ये फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन नहीं है, यूजर डिफाइंड है. तो बात कर लेते हैं व्हाट आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस एंड व्हाट आर यूजर डिफाइंड. ये जो अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म लिखा है ना हमने, ये हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइंड है और वो हमें बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. और ये जो पॉपअप लिख रहे हैं हम, और ये हमने इस तरह लिखा है, अभी ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसकी कोई बाई डिफॉल्ट डेफिनेशन नहीं है. अगर मैं इसको ऐसे जाके लिखूंगा ना, क्लिक मी, कुछ भी नहीं हो रहा. मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे एक चीज और, जो भी हमने अपने जावास्क्रिप्ट के एरर्स देखने हैं हमने यहाँ से इंस्पेक्ट करके कंसोल में आके चेक करने हैं. तो मैं यहाँ देख सकता हूँ मेरे पास कह रहा है पॉपअप इज नॉट डिफाइंड, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि ये बिल्ट इन है. सो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा. सो मैं आ रहा हूँ यहाँ, स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग HTML5, टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. सो ये हमारे पास किया है, जिस तरह हमने स्टाइल का टैग यूज किया था, इस तरह स्क्रिप्ट का टैग भी यूज कर रहे हैं जस्ट टू एग्जीक्यूट ओवर JS. सो अब इस फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन करना है पॉपअप को, हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे, फंक्शन की वर्ड है. मैंने कहा पॉपअप, पॉपअप और आगे दो ब्रैकेट्स, ठीक है, और मैंने कहा अलर्ट पॉपअप फंक्शन वॉज कॉल्ड. अब एरर रिमूव हो गया और पॉपअप फंक्शन वॉज कॉल्ड, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट, ठीक है. सो हमें पता चला कि जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करती है और हाउ इट वर्क्स. ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी फर्दर नेक्स्ट चीजों की तरफ. तो हम यहाँ देखते हैं, हम दो तरह से और डाटा राइट करवा सकते हैं. एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पेज पे डाटा किस तरह शो करवाना है, पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट किस तरह अपने पेज में डाटा लिखना है. मैंने कहा दिस इज डॉक्यूमेंट, तो आपने देखना क्या होगा, मैंने क्लिक किया, मेरे पास पूरे पेज का कंटेंट खत्म हो गया और सिर्फ यहाँ क्या आ गया, दिस इज डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट कंप्लीट राइट हुआ है, ठीक हो गया. और एक चीज हमारे पास ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बिल्कुल साथ साथ आ गया. एक हमारे पास फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN. सो हमारे पास इसमें और इसमें क्या फर्क है, आपने पहले देखा कि ये साथ साथ आए थे दोनों और अब इसमें एक स्पेस है. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN हमारे पास जो है इस एंड एक हमारे पास स्पेस इम्बेड कर देता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, इनके नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स से अलर्ट बॉक्स इसका रख देते हैं हम, प्रॉम्प्ट इसका रख देते हैं हम कंफर्म, ताकि हमें इंडिकेशन रहे कि हम क्या कर रहे हैं. इसका रख देते हैं हम पॉपअप फंक्शन. अब बात करते हैं पैरामीटर्स फंक्शन. पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई पैरामीटर भेजते हैं. पैरामीटर क्या होता है, यहाँ से हम ना कुछ डाटा भेज सकते हैं थ्रू इस फंक्शन से. यहाँ पे हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, डाटा भेजेंगे हम पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, इस तरह आप चाहे तो हजारों पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. और यहाँ पे हम आके फंक्शन, मैंने लेट से कहा पैरम, मैंने कहा पैरम एक फंक्शन है मेरा पैरम. अब हमारे पास यहाँ से क्या आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं. तो यहाँ तीन आपने कोई ना कोई डिफाइन करने है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक होता है. मेमोरी ब्लॉक क्या होता है भाई, आपकी रैम के ऊपर चलने वाला एक हिस्सा जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिकली कुछ बाइट्स का या कुछ छोटी सी मेमोरी का एक पोर्शन गेट करते हैं, रिजर्व करते हैं कुछ देर के ऊपर, और जिसपे आप अपना डाटा रिटर्न करवाते हैं. अब वैसा आपने एक ब्लॉक क्या कहते हैं लिया है मेमोरी से, वाई लिया, जी लिया, जिसमें हमने क्या स्टोर करवाया 5, 6, 7. वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. जो हमारे पास कोई भी चीज़ जो अपने वेरिएबल वैल्यू चेंज कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास वेरिएबल कहलाती है. सो ये हमारे पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल बेसिकली पैरामीटर डिफाइंड है, ये एक्चुअल वेरिएबल नहीं है. ये इसके अंदर वेरिएबल जो है सिर्फ इसका स्कोप यहाँ तक होगा, हम इसको इस पैरामीटर से यहाँ तक कॉल कर सकते हैं. फर्दर हम स्कोप्स को भी आगे पढ़ेंगे.
फिलहाल हमने देखना मकसद क्या है, मैंने कहा अलर्ट एक्स प्लस वाई प्लस सी, ये हमारे पास इसको ऐड कर देगा। सो पैरामीटर फंक्शन 18 हमारे पास रिटर्न हुआ है, 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू 18। आई होप सो इट इज मेकिंग सेंस। अब बात करते हैं हम यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं, और मैं यहाँ एक फाइल बना रहा हूँ main.js, js फाइल js एक्सटेंशन के साथ बनती है। मैंने इस कोड को यहाँ रखा, जब आप js फाइल बनाते हैं तो फिर आप वहाँ पे क्या करते हैं, js की स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, कैसे स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और स्क्रिप्ट का सोर्स देना हमने जिस तरह इमेज का सोर्स दिया था html में, सोर्स इज इक्वल टू मैंने क्या किया main.js, सही हो गया। अब ट्राई करते हैं दोबारा से। सो पॉपअप फंक्शन इज वर्किंग वेल, पैरामीटर फंक्शन स्टिल वर्किंग, सो हमारे पास ये फाइल्स आपस में क्या हो गई हैं, इंटरलिंक्ड हो गई हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए लिंक्स पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि किस तरह हमने अपने जावास्क्रिप्ट के साथ अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्शन यूजिंग जेएस। मैं यहाँ पैराग्राफ बना रहा हूँ, इसको आईडी दे रहा हूँ id इक्वल टू पैराग्राफ, इसमें मैंने दिया लोरम इप्सम। इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, एक और परफॉर्म एक्शंस। मैंने यहाँ एक बटन बनाया, और यहाँ मैंने कहा हाइट using id and js। अब हम क्या कहेंगे, इस पैराग्राफ को हाइड करवाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस id एंड जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के साथ। इस बटन में मैं लगा रहा हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्या लगा रहा हूँ, मैंने कहा हाइट पैराग्राफ, ठीक हो गया। आगे दो ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे आया और आके मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट हाइट पैराग्राफ, इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा वेरिएबल var से हमारे पास वेरिएबल डिफाइन होता है इन जावास्क्रिप्ट। आप इससे कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल आपके पास कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करता है। सो हमारे पास वापस आते हैं और हम करते हैं इस, अब सिलेक्ट करना हमने इस वेरिएबल इस पैराग्राफ को, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी आईडी क्या है, पैराग्राफ। ये से हमारे पास गेट होगी, मैंने कहा अब ए डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, इसको जी आप हाइड कर दो। सो ये पैराग्राफ है हमारे पास, मैंने कहा हाइड यूजिंग आईडी एंड जेएस, ये हमारे पास हाइड हो गया। अब मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन ऐसे ही हमारे पास बनाओ जो इसको शो करे। सो हम क्या करेंगे, शो यूजिंग जेएस एंड आईडी। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ सेम रहना है, जस्ट हमने हाइट की जगह डिस्प्ले नन की जगह डिस्प्ले ब्लॉक करना है। मैंने कहा शो पैराग्राफ, इसको मैंने कहा ब्लॉक, हाइट शो हाइट एंड शो, ठीक है। सो आपको इससे आइडिया हुआ कि आप अपना जो है हमने रिस्पॉन्सिव सीएसएस मेन्यू बनाया था इन अवर सीएसएस टेम्पलेट्स, आप इस तरह अपने रिस्पॉन्सिव मेन्यू को शो एंड हाइड करवा सकते हैं एक बटन के ऊपर क्लिक करवा के, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक
डिस्कशन ऑफ अवर जेएस एंड इट वाज इंट्रो ऑफ द जेएस. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ख्याल रखिएगा अपना, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.